हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 31 मार्च। 31 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें पुलिस कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो सभी एग्ज़ाम को जो है देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया रहता है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेली बेस पर यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। ठीक है जी, एक भी दिन यहाँ पे जो है मिस नहीं कराया जाता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी दिन मिस कर देते हैं मतलब जो है समझ रहे क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। तो यहाँ पर डेली टू डेली अपडेट यहाँ पर कम से कम 15 मिनट आपको जो है देना पड़ेगा। ठीक है जी, फिर आपको एग्जाम टाइम बढ़िया तरीके से रिवाइज करते हैं तो आपका जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपको जो यहाँ से बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स बहुत ही जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही है, जो खबरें हैं आपके जो बीच, ये जो है यहाँ से पता चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है जी, एक बार डिटेल पढ़ने के बाद आपको जो है मुश्किल से 2 से 3 मिनट आपको जो रिवाइज करते टाइम लगेगा, इसलिए बढ़िया रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने जो है किसके साथ साझेदारी की है? BPCL या आपका HPCL, IOCL या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HPCL के साथ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए जो टाटा, आप सभी जानते हो टाटा जो है के बारे में आप जो है जानते होंगे, रतन जी टाटा के बारे में तो पढ़े होंगे। तो टाटा ने जो है किसके साथ साझेदारी की है? तो HPCL के साथ साझेदारी की है। तो किस लिए यहाँ पे जो साझेदारी की है, तो आप सभी को पता होगा कि जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो पूरे भारत में जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है जी, बढ़ते महंगाई पेट्रोल के कारण, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे जो है प्रदूषण को रोकने के लिए जो है इलेक्ट्रिक जो कारें वगैरह है वाहन को यहाँ पे सरकार इसको यहाँ पे जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है प्रचलन में ला रही है। इसके लिए जो है हाल ही में जो है जो टाटा कंपनी ने HPCL के साथ समझौता किया गया है हाल ही में 27 मार्च को। ठीक है जी, तो टाटा पैसेंजर जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के तहत जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको HPCL बोलते हैं, इसके साथ जो है पूरा जो है समझौता किया गया है और देश भर में लगभग अपने पेट्रोल पंपों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद मिलेगी। पहले चरण में इस वर्ष दिसंबर तक जो है HPCL पंपों पर लगभग 5,000 जो है चार्जर लगाने का लक्ष्य रखी गई। कहने का मतलब है, आप देखे होंगे आप पेट्रोल टंकी जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो है बाइक में जो है कार वगैरह में यहाँ पे हवा के लिए जो है आपका जो है व्यवस्था रख रही है पेट्रोल टंकी। अब साथ ही साथ जो है पेट्रोल टंक में आपका जो है चार्जिंग कर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार है चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे जो सभी पेट्रोल टंकी में आपका जो है ये जो स्टेशन को लगाया जाएगा। ठीक है, EV चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अब लगाया जाएगा। तो दिसंबर तक लगभग 5,000 जो है HPCL के द्वारा जो है चार्जर लगाने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे बात करूँ जो मैं HPCL जिसको जो है हिंदुस्तान जो है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम शॉर्टकट में बोला जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1952 में जो इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। पुष्प कुमार जो जोशी हैं वर्तमान में इसका जो है आपकी CMD है। ठीक है जी, इसे HPCL के, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है? UAE, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाला है 2024 में। ठीक है जी, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता क्या होता है? तो ये जो महिलाओं के एक तरह सौंदर्यकरण प्रतियोगिता है। ठीक है जी, रैंप वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह सौंदर्य जो है प्रतियोगिता जिसमें सऊदी अरब फर्स्ट टाइम जो है मतलब पहली बार जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो है 26 मार्च 2024 को जो है ऐतिहासिक घटना में पहली बार जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय यहाँ पे लिया गया। ठीक है जी, अभी वर्तमान में यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान अल जो सऊद है, यहाँ के अभी क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो कंपनी है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा जो ब्रांड कौन सा बना है? बजाज फाइनेंस, भारतीय जीवन बीमा जिसको LIC बोलते हैं, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा LIC। ठीक है जी, भारतीय जीवन बीमा इसको बोलते हैं। तो देश की सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है सभी जानते हैं LIC, जो भारतीय जीवन बीमा बोलते हैं। इसका जो है हाल ही में जब पूरा जो है दुनिया भर में जो है
इंश्योरेंस के नाम पे जो है लाइम पी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC पूरी दुनिया के सबसे मजबूत इंश्योरेंस जो है ब्रांड जो बन चुका है। LIC ने दुनिया के सभी दिग्गज जो बड़ी बड़ी जो बीमा कंपनियों को जो है पीछे छोड़कर लिस्ट में जो है पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। ठीक है जी, तो ये तो सभी जानते हैं LIC के बारे में। LIC अगर आप कराए होंगे आपके माँ जो है आपके जो फैमिली मेम्बर में आपके पापा वगैरह में तो सभी जानते होंगे। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में बात करूँ जो है LIC की बात करूँ तो इसके जो है स्थापना कब किया गया था तो कई बार इसका जो है 1 सितंबर 1956 को स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका जो हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है तो सिद्धार्थ मोहंती अभी चेयरमैन है। ठीक है, और ये आपका जो है आर जो धीरेस्वामी है अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है, RK सिंह, राजनाथ सिंह, कमल किशोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल किशोर को हाल ही में जो है UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया था। UNDRR क्या होता है तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के लिए आपदा जोखिम जो है सूचना निकालती है, खास करके यहाँ पर जो है जो आपातकालीन जो खास करके आपदा वगैरह जोखिम पे जो है संगठन काम करते हैं। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब किया गया था तो इसके जो स्थापना है 1999 में स्थापना किया गया था। ठीक है जी, जिनेवा में इसका जो है अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, जिसके जो है सहायक महासचिव हमारे भारतीय मूल के कमल किशोर को इसके महासचिव इनको बनाया गया। ठीक है जी, UNDRR जिसको संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के लिए जो है आपदा जोखिम सूचना के लिए इनको जानी जाती है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IPL इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है, RCB, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL के इतिहास में सबसे बड़ा जो है टीम स्कोर कौन से टीम ने बनाई है तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। ठीक है जी, तो सनराइजर हैदराबाद ने जो है बनाया है IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। ठीक है, RCB के लगभग 263 रन के रिकॉर्ड को इन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक है, RCB टीम के सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL में सबसे बड़े स्कोर बनाने का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो है लगभग 11 साल जो पुराना रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, तो इसको याद रखें। सनराइजर्स जो हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो कारनामा इन्होंने यहाँ पर किया गया है इसको याद रखिएगा, 11 साल पुराना रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है ब्रेसरो दियोमाए फे जो है किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, सेनेगल, जापान, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनेगल। सेनेगल कौन से देश के अंतर्गत आती है, जो है पश्चिम अफ्रीका में जो है स्थित देश है, मतलब अफ्रीका के अंतर्गत जो है बसा हुआ एक देश है। ठीक है जी, इसकी राजधानी क्या है, डकार इसकी जो है राजधानी है। ठीक है जी, और इसके पहले यहाँ के राष्ट्रपति मैकी साल यहाँ के राष्ट्रपति थे, और यहाँ के जो नए राष्ट्रपति ब्रेसरो दियोमाए फे को यहाँ के नए सेनेगल के नए राष्ट्रपति इनको बना दिए गए। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में जो बसा हुआ है ये जो सेनेगल देश है इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना है, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है जी, तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जो है हरियाणा टीम इसमें जो है चैंपियन रहा है। तो हरियाणा में मुक्केबाजी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप लड़कों और लड़कियों को दोनों में जो है टीम खिताब के साथ लगभग 19 पदक जीतकर जो है चैंपियन बना है। लड़कियों के वर्ग का जो मौजूदा देखेंगे चैंपियन हरियाणा में 64 अंक लेकर तालिका में शीर्ष स्थान पर रहे, अपने खिताब को जो है इन्होंने बचाव किया। ठीक है, जिसमें 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीत हासिल किया गया है, जिसमें हरियाणा टीम इसमें जो है उच्च स्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिनकर अस्थाना हमारे भारतीय मूल के अधिकारी हैं, इनको जो है किस देश में जो है भारतीय उच्चायुक्त के नियुक्त किया गया है, भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, पेरू, गाम्बिया, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाम्बिया के जो है ये जो दिनकर अस्थाना को यहाँ के जो है भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, कौन से देश के, गाम्बिया के। इसको याद रखिए, तो गाम्बिया कौन से देश के अंतर्गत आती है तो ये अफ्रीका में जो है बसा हुआ ये भी कंट्री है। बांजुल यहाँ की कैपिटल है और यहीं के दिनकर अस्थाना को यहाँ पर उच्चायुक्त बनाया गया हमारे भारतीय मूल के
मतलब भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो है आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है जी। तो यहाँ के जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने यहाँ के जो है मतलब जम्मू कश्मीर राज्य के यहाँ के न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ इन्होंने ली है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई वार्षिक भारत जो है रिपोर्ट, जो हाल ही में जो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है टीबी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है टीबी के मामले में ये जो भारत की रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें 2015 से लेकर टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? 31%, 27%, 16% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारत की रिपोर्ट देखेंगे जो 2000 मतलब जो है 15 के अनुसार देखें, टीबी के नए मामलों में लगभग 16% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टीबी जो है किसके कारण होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है क्रोनिक जो है संक्रामक संक्रमण है, मतलब एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। और ये जो है एयरबॉर्न बैक्टीरिया जो माइक्रो जो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये जो है होती है टीबी, जो रोग होती है जिसमें आपका जो है फेफड़ा में बहुत सारे खांसी होते हैं, फिर लंग्स पूरा ये जो है यहाँ पे खा जाता है, ठीक है जी। खांसी बहुत होती है इसमें, तो जो है खासकर इसी के कारण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है? रूस, चाइना, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना कैपिटल है, राजधानी। सी जिनपिंग वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। तो हाल ही में यहाँ के अधिकारियों ने, अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के द्वारा कहना गया है कि जो अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहना है कि जो यहाँ पे साइबर जासूसी को यहाँ पे जो है आरोप लगाई चाइना के द्वारा, इस तरह के काम जो है करती रहती है, बहुत सारे ड्रोन वगैरह यहाँ पे जो है भेजती रहती है, मत जासूसी के लिए चाइना आप पड़े होंगे कई जगह, ठीक है। इस तरह के हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के जो है अधिकारियों ने जासूसी यहाँ पे जो साइबर जासूसी को लेकर इस पर जो है प्रतिबंध लगाया ही चाइना में, इस तरह के जो कारनामा यही देश कर सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है कोई इसको भाव ही नहीं देता है। हाल ही में किस देश ने जो है समलैंगिक विवाह को, ठीक है जी, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को जो है वैध बनाया है या इसको जो है अप्रूवल दे दी गई है? थाईलैंड, वियतनाम, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के सरकार ने हाल ही में जो यहाँ पे जो विधेयक पारित किया गया था, यहाँ को जो है समलैंगिक विवाह को यहाँ पे जो है पूरा वैध बना दिया गया है, अप्रूवल कर दिया गया है, ठीक है जी। बहुत सारे देश में जो है यहाँ पे जो समलैंगिक विवाह को जो है प्रतिबंध भी किया है, बहुत सारे देश में इसको जो है अप्रूवल भी दिया गया है, वैध बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थाईलैंड की राजधानी क्या है जी, तो बैंकॉक यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो थाई ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है जी। और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्रेथा थाविसिन वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? प्रतीक जोशी, विजय छेत्री, समर्थ मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हमारे भारत के जो है जाने माने फुटबॉल प्लेयर हैं विजय छेत्री, और लैटिन अमेरिकी क्लब पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए, जो है मतलब ऐसा मतलब इस जो है क्लब में शामिल होने वाले जो है पहले भारतीय फुटबॉलर ये जो है बन गए, विजय छेत्री जो है जाने माने फुटबॉलर हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारे भारतीय सेना ने कहाँ जो है प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में जो है हमारे भारतीय सेना ने यहाँ पर जो है प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में 2024 में, ठीक है। जो है प्रथम जो है कमांडर सम्मेलन है जिसमें सेना के कमांडरों के सम्मेलन है, ठीक है, हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आयोजन है वर्चुअल सम्मेलन 28 मार्च को लेकर आपका जो है ये जो है 1 से 2 अप्रैल तक ये जो है नई दिल्ली में जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है, उच्च स्तर का जो बैठक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में जो है यहाँ पे जो है पाया गया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है जी। तेलंगाना में हाल ही में जो है चालुक्य राजवंश के लगभग
9-7 साल जो है पुराना कन्नड़ शिलालेख जो है यहाँ पे मिला है। ये चर्चा में क्यों है, तो हाल में जो कल्याणे के चालुक्य राजवंश के एक जो है 9 साल पुराना जो है कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर के गंगापुरम में जो है खोजा गया है। ये जो शिलालेख है ये मतलब जो चालुक्य वंश, आप देखें इतिहास में पढ़ेंगे हैं पढ़े होंगे कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, इस तरह के कई बार एग्जाम में पूछते हैं, अभी मैं बताऊंगा ठीक है। तो ये शिलालेख है कन्नड़ 900 साल पुराना जो है कन्नड़ शिलालेख है तेलंगाना के महबूब नगर के गंगापुर में खोजा गया ठीक है जी। ये शिलालेख लगभग 1137 कल्याण जो है चालुक्य सम्राट भुलाग भल्ला के जो उनके पुत्र थे सोमेश्वर तृतीय के पुत्र के जो है ये जो सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा यह जारी किया गया था, ऐसा करके जानकारी यहाँ के जो है जो शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। और यहीं पे जो है भगवान सोमनाथ एक दीपक और धूप के लिए यहाँ पे जो है टोल टैक्स यहाँ पे जो है उस समय यहाँ पे जो है ली जाती थी, उस तरह के साक्ष्य यहाँ पे जो है मिली हुई है। आप पढ़े भी होंगे कि जो कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य दोनों बादामी के चालुक्य के जो है वंशज थे, और लगभग चालुक्य वंश लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पे जो है इन्होंने शासन भी किया था, तभी इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप पूछे देखे होंगे कि कल्याण चालुक्य वंश या चालुक्य वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है, तो कि आपका पुलकेशिन प्रथम, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, तो पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के जो है प्रथम वास्तविक शासक है। चालुक्यों की ये शाखा मुख्य शाखा थी ठीक है, ये जो इसको याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट है। आप देखें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जानकारी जो है तेलंगाना में यहाँ पर जो है प्राप्त हुई। हैदराबाद इसकी राजधानी है, रेवानाथ जो है अभी वर्तमान रेवानाथ यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। और PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा ठीक है जी। तो डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है ठीक है जी, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू।